हमारे साथ हमारी जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो हैं शीतल कुमारी। ये समस्तीपुर बिहार से हैं और ये गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए शी इज एडवोकेटिंग फॉर एडुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड और चाइल्ड मैरिजेस भी प्रिवेंट करने का ये काम कर रही हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि शीतल अपने इश्यूज के बारे में हमें बताएं। नमस्ते, मैं शीतल कुमारी जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र आटी फॉर्म से हूँ। लॉकडाउन में शिक्षा की बहुत सारी कमी हो गई थी, खासकर किशोरी के लिए, जो मतलब कि लॉकडाउन में तो मतलब पढ़ाई भी नहीं होती, स्कूल कोचिंग सब बंद हो गई थी, तो वो लोग पढ़ नहीं पाई। खासकर हम लोग का भी पढ़ाई रुक गया था। और मैं मतलब कि मैं 12th में हूँ अभी, और 11th में जो पढ़ाई कर रही थी उसका मतलब 11th में लॉकडाउन के वजह से हम लोग का एग्जाम भी नहीं हो पाया, कोई भी टेस्ट भी नहीं हुआ था। और 12th में जब 12th में भी एडमिशन नहीं हुआ, और पता नहीं शायद एडमिशन तो हो ही गया था, बट हम लोग का एग्जाम भी नहीं हुआ। और फॉर्म जब भराया तो फॉर्म भराने में भी बहुत सारी कठिनाई हुई, और शायद उसमें मतलब कॉलेज में पैसा भी ज्यादा करके लगा था। और जब फरवरी में फिर एग्जाम भी होने वाला है, तो हम लोग तो पढ़ाई किए नहीं, बट अब क्या एग्जाम तो देना ही होगा। एग्जाम देने में बहुत सारी कठिनाई होगी, और खासकर लड़कियां के लिए। और मेरी दोस्त लोग भी पढ़ाई नहीं की थी लॉकडाउन में, और छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ाई नहीं किए थे, और वो लोग घर पे बैठे रहते। तो हम लोग जो थोड़ी मतलब किशोरी लड़कियां वो सब सोचे क्या, जो मतलब लॉकडाउन में बच्चे सब बैठे रहते हैं घर पे, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एक समूह हम लोग बना के और उन सबको मतलब पढ़ाए आते थे, और मतलब उन लोगों को बताते थे जो घर पे बैठे हैं तो पढ़ो, और पढ़ाते थे भी। और खासकर किशोरी को मतलब लॉकडाउन में बहुत सारे बाल विवाह भी हो गया पढ़ाई के वजह से, जो पढ़ाई नहीं करती थी घर पे बैठे रहते थे, तो माँ बाप सोचते थे जो पढ़ाई नहीं, अभी स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, पढ़ती नहीं है, तो शादी कर देते हैं, जाओ शादी कर लो, अपना मैं ससुराल चले जाएगी। और छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो मतलब जब से लॉकडाउन लगा तो सारी लड़कियां लड़के सब तो घर पे ही बैठे रहते थे, पढ़ाई भी नहीं करते थे, तो उन लोग के घर वाले सोचते थे जो अभी बैठा है तो क्या करेगा, थोड़ा जाके कुछ काम कर ले, थोड़ा पैसा हो जाएगा उससे घर चलेगा, बस यही सब सोच के बहुत सारे कठिनाई हम लोग बच्चों के लिए होता था। सब रोकने के लिए हम लोग जाते थे उनके घर पे, बोलते थे जो थोड़ा दिन की थोड़ा इतना दिन जब पढ़ाई किया और इतना थोड़ा दिन के जब लॉकडाउन हो गया तो अभी स्कूल कोचिंग बंद है, तो क्यों शादी कर रहे हैं और या बाल मजदूर कर पा रहे हैं, घर पे ही वो कोशिश करेगा तो पढ़ेगा और मत कीजिए शादी, तो बोलते थे जो उनके घर वाले हम लोग से क्वेश्चन करते थे जो क्या करे, तो मतलब शादी नहीं करते या नहीं कमाएगा तो क्या करेगा, ना कर देते हैं शादी, ना समय का जो खराब चल रहा है घर पे बैठे रहेगा, ये सब बहुत सारी कठिनाई होती थी हम लोग के बीच। जैसे कि मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरा भी लॉकडाउन में मतलब बोल रही थी क्या, तो जैसे कि शादी तो फिक्स नहीं हुआ था, बट ऐसे ही चर्चा चला रही थी जो मतलब अभी पढ़ाई नहीं कर रही है तो कर देते हैं शादी, तो हम बोले क्या नहीं अभी मुझे नहीं करना है, अभी इतना दिन जब पढ़ाई कर लिए तो थोड़ा दिन और कर लेने दो, तो मम्मी बोलती थी क्या जो मतलब अभी बैठी है क्या करे, कर दे। फिर बहुत सारे समझाए, नहीं सब्जी मम्मी लोग नहीं समझी, तो मेरी जो टीचर लोग थे तो उन लोग वो थोड़ी और बचा हुआ है तो शादी कर रहे हैं, तो जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र के जो टीचर लोग थे उन लोग से हम बात किए, तो वो लोग मेरी मम्मी को समझाए, बोले जो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा देर और रुक जाइए तो और अच्छी रहेगी, तो फिर मम्मी बोली कि जो ठीक है तो छोड़ देते हैं, मतलब उसके बाद फिर उसी मतलब अगर उस
दिन अगर हम ये आवाज नहीं उठाते तो मेरा तो मतलब उसी दिन मतलब कि शादी बहुत सारी लड़कियां को हो गया, और खासकर एक दो लड़कियां थी उसका भी शादी होने वाला था मेरे ही जैसे। तो हम खुद पहले अपना मतलब सर लोग से बात करके रुकवाएं, और जैसे कि जो जवाहर ज्योति बाल विकास के केंद्र थे उसके उसमें हम लोग जाते थे, वहाँ पे सर लोग बताते थे जो मतलब लड़की हो या लड़का उसका क्या अधिकार है कि मतलब 18 वर्ष से पहले लड़किया का शादी नहीं करना चाहिए। तो फिर सर लोग से हम बात किए तो सर को बोले तो सर मतलब मेरा भी शादी मतलब सर मम्मी लोग से बात करके रुकवाए, और एक दो लड़कियां थी उनका भी शादी हो रहा था तो उनका हम समझाते थे तो मेरा बात पर कोई विश्वास नहीं करते थे, कोई मानते नहीं थे। तो फिर सर लोग से बात किए, सर लोग फिर बताए उनको जो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से बच्चा में मतलब शादी कर देने से उनका बहुत कठिनाई होगा, मतलब ये सब बात बहुत सारे बताए जो बच्चा में ही मतलब कि वो इतना कठिनाई झेलेगी। और खास कर मैम शिक्षा के लिए जैसे कि मतलब मुझे पता था जो लॉकडाउन में जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई भी होता है, तो खास कर जब ऑनलाइन पढ़ाई होता है तो हम लोग के पास फोन है जैसे कि हैंड्राइड फोन होता है, वो वाला हर एक बच्चा के घर में फोन नहीं रहता था ना, जिसकी वजह से और हम लोग का कठिनाई होता था मतलब पढ़ाई करने में। जिसके पास रहता था वो तो पढ़ाई कर ही लेता था, उनके लिए तो कोई कठिनाई नहीं है, और जैसे कि हम लोग के पास नहीं था तो हम लोग नहीं पढ़ाई कर पाए, उससे भी हम लोग का बहुत सारा लॉस हुआ। और बहुत सारी लड़कियां अभी लॉकडाउन में मतलब काम उम नहीं चलता था, कंपनियां सब बंद हो गया था, उनके पापा लोग काम नहीं करते थे, तो पैसा के वजह से बहुत लड़कियां फॉर्म भी नहीं भरी है, और वो सब एग्जाम भी बोली हम नहीं देंगे, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, पैसा भी कॉलेज में बहुत ज्यादा लगता था, अभी बढ़ा के सर लोग लेते थे, तो उसके वजह से बहुत सारी लड़कियां तो फॉर्म भी नहीं भरी है और मतलब कि एग्जाम भी नहीं देगी। आपको अभी हम सब ने देखा कि लॉकडाउन की वजह से कितनी ज्यादा डिफिकल्टी लोगों को हुई है, लोगों की लड़कियों की शादियां करवा दी, उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया गया, काफी ज्यादा प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है अपने एरिया में, और ये अभी ही नहीं है हमेशा से फेस करनी पड़ती है। तो थैंक यू। कैसे तो फिर मैम कैसे इन सबको मतलब सॉल्व किया जाएगा ये प्रॉब्लम को, जैसे लड़कियां के लिए पढ़ाई में जो इतना कठिनाई होती है तो फिर कैसे होगा। एक हम मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां इस बिहार में। हाँ शीतल, आपने काफी अच्छा पॉइंट्स रेज किए हैं, और आपने जो बताया कि हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए, जैसे आपने बाल विवाह के अगेंस्ट में अपने आवाज उठाया, वैसे हम सभी को आवाज उठाना चाहिए। तो आज जो हम लोग यहाँ पे पहले सेक्शन में हम लोग लड़कियों की आवाज सुन रहे हैं, इसके बाद सेकेंड जो सेक्शन होगा जो अभी 15 मिनट में शुरू होगा, वहां पे हम लोग कुछ एक्सपर्ट से भी सुनेंगे जो शिक्षा के मुद्दे पे काफी दिनों से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी हम लोग सुनेंगे कि क्या हम लोगों को करना चाहिए आगे, ताकि हम लोग एक इक्वल सोसाइटी, एक सामान सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच शीतल, ओवर टू यू इलिका। थैंक यू शीतल।